दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। चौरासी साल के एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम है स्टैन स्वामी, झारखंड के रहने वाले हैं, एक पादरी हैं। लेकिन पादरी होते तो शायद कोई बहुत ज्यादा मामला न बनता, लेकिन पादरी के साथ वह एक आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता भी हैं, यानी आदिवासियों के हक के लिए और अन्य जो गरीब तबके के लोग हैं उनके हक के लिए वो समय समय पर संवैधानिक ढंग से अपनी आवाज भी उठाते रहे हैं। ये एक बड़ी मुश्किल है उनके लिए, और इसी कारण वो 8 महीने पहले जेल में बंद कर दिए गए। एनआईए ने उनको आतंकी माना, या उनको माना कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों में ये शुमार हैं। और भीमा कोरेगांव का जो मामला है उसमें जितने लोग गिरफ्तार हैं उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माण करने वाली जो समिति थी, प्रारूप समिति, उसके जो चेयरमैन थे, उनके वो परिवार, विस्तृत परिवार के सदस्य हैं। और दुनिया भर में एक बड़े बुद्धिजीवी के रूप में जाने जाते हैं। उनकी किताबें भारत के क्या दुनिया के किसी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में शोभा बढ़ाती हैं। आनंद तेलतुंबड़े भी गिरफ्तार, वह भी जेल में हैं। गौतम नौलखा, मानवाधिकार के कार्यकर्ता, पत्रकार, बुद्धिजीवी, वो जेल में। इसके अलावा सुधा भारद्वाज, इस देश की बहुत मशहूर एक मानवाधिकार कार्यकर्ता, और जिनके परिवार के बारे में पूरा देश क्या दुनिया के बहुत सारे जो पढ़े लिखे बुद्धिमान बुद्धिजीवी हैं वो भी जानते हैं। उनकी माँ तो देश की क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भारतवर्ष की तरफ से एक बड़ी अर्थशास्त्री थी, कृष्णा भारद्वाज जी। तो सुधा भारद्वाज भी जेल में है। इसी तरह से बहुत सारे और लोग, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, वो लोग भी जेल में हैं। उनका नाम हैनी बाबू। इस तरह से अनेक लोग, वरवर राव, तेलुगु के बड़े कवि, और उनके बारे में ये जरूर रहा है कि वो राजनीतिक रूप से जो मौजूदा रिजीम है, या और इसके पहले कांग्रेस भी रिजीम जब उसकी थी तो भी वो उनको एक धुर वामपंथी मानते थे। लेकिन इन सभी लोगों पर जो आरोप लगाए गए वो ऐसे आरोप हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अब वरवर राव भी 80 से ऊपर के हैं, ये तो 84 साल के हैं, पार्किंसन रोग इनको है। और आज की तारीख में जो इन्होंने कोर्ट में बयान दिया है स्टैन स्वामी ने, इनका हाथ नहीं चलता, ये लिख नहीं सकते, ये अपने से नहा नहीं सकते, अपने से खाना नहीं खा सकते हैं, अपने से कपड़ा नहीं पहन सकते हैं। और इस व्यक्ति को भारतीय राष्ट्र राज्य का शत्रु घोषित किया गया है कि ये व्यवस्था के खिलाफ है, ये बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं, और इनको जेल में बंद कर दिया गया। माननीय जो न्यायालय है बॉम्बे हाई कोर्ट, उसने इनके प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखाई जरूर पिछली बार। इनको उन्होंने कहा कि जे अस्पताल में आपको भर्ती कराने के बारे में आप सोचिए। इन्होंने कहा नहीं, मैं अब मरने वाला हूं, जिन हालात में मुझे रखा गया है उसमें मैं ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। ये साफ कह रहे हैं माननीय कोर्ट के समक्ष। और उन्होंने वर्चुअल सुनवाई के दौरान साफ शब्दों में कहा, इनको तो आवाज भी नहीं सुनाई पड़ रही थी कि माननीय न्यायाधीश लोग क्या कह रहे हैं। उन्होंने बताया भी कि मुझे कान से सुनाई नहीं पड़ता। तो उनके पास जो बैठा व्यक्ति था सुनवाई के समय, उसने कहा कि माननीय जज साहब लोग पूछ रहे हैं कि आप जे अस्पताल जाना चाहेंगे, तो अभी उनको जेल के अंदर जो अस्पताल है उसमें उनको डाला गया है, जहां पर एक भी MBBS डॉक्टर नहीं है उनके वकील के मुताबिक। लेकिन बीच बीच में उनके लिए जो चिकित्सा संबंधी व्यवस्था की गई है वो नाकाफी है पूरी तरह, और उनका यह मानना है कि वो जल्दी ही मर जाएंगे। तो कोर्ट ने उनके लिए 7 जून को अगली सुनवाई तय की है। पता नहीं क्या होगा भविष्य, मैं नहीं जानता। लेकिन स्टैन स्वामी जो चल नहीं सकते,
जो बोल नहीं सकते ठीक से, सुनाई नहीं पड़ता उनको, उनको हमारी सरकार, हमारी सत्ता जो मौजूदा है वो उनको खतरनाक मानती है। इसी तरह से मैं जिनका नाम लिया सबको खतरनाक मानती है। सुधा भारद्वाज, सभी लोग पिटीशन लगा चुके हैं लेकिन जमानत नहीं मिली। आपको याद होगा नताशा नरवाल को जमानत तब मिली, बार बार पिटीशन के बावजूद, जब उनके पिता COVID-19 के संक्रमण से उनकी मृत्यु हो गई और उनका एकमात्र भाई स्वयं संक्रमित था। तो मरने के बाद नताशा नरवाल को मिली, जो एक शोध छात्रा है, प्रतिभाशाली है, और उसको बिल्कुल इसलिए फंसा दिया गया कि वो मौजूदा जो सरकार है और उसका जो सत्ताधारी दल के जो छात्र संगठन है वो उनसे असहमत है, उनसे नाराज है। अब मैं आपके सामने एक सवाल उठाता हूं कि आप क्या मालूम है कि 1922 में कई जो लेख छपे थे 21 और 22 के बीच में, महात्मा गांधी को ब्रिटिश हुकूमत ने राजद्रोही घोषित करके 6 साल की सजा दे दी थी और महात्मा गांधी यरवड़ा जेल में बंद थे। लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ, 1924 में महात्मा गांधी को छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ा गया, उनको 6 साल की सजा थी। 6 साल की सजा का मतलब उनको 1928 में छूटना चाहिए था, उनको 2024 में छोड़ा गया, मार्च महीने में, संभवतः 10 मार्च के आसपास। वो क्यों छोड़ा गया, क्योंकि उनको एपेंडिसाइटिस की तबीयत खराब हो गई उस बीमारी से। और महात्मा गांधी को उस वक्त की अदालत ने और सरकार के जो पक्ष के वकील थे उन्होंने जो दरियादिली दिखाई कि भाई गांधी बीमार है, एक राजनीतिक व्यक्ति है, हमारा दुश्मन है ब्रिटिश हुकूमत का, लेकिन हम इसको छोड़ देते हैं ताकि यह सुरक्षित रहे, दुनिया ये ना कहे कि हम अपने विरोधी, अपने आलोचक को हमने मार डाला जेल में। महात्मा गांधी छोड़ दिए गए राजद्रोह के केस में। इन पर फर्जी आरोप लगाए गए हैं स्टैंड स्वामी पर, 84 साल के हैं, महात्मा गांधी की उम्र उस समय 50 से थोड़ी ऊपर थी। और यकीनन आपको मैं बताऊं, शायद और भी कम रही होगी, स्टैंड स्वामी को नहीं छोड़ा जा रहा है। मुझे याद आता है कि 1977 में जस्टिस वी कृष्ण अय्यर ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक यशस्वी जज, उन्होंने कहा था कि जमानत रूल है, बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। ये बालचंद बनाम राजस्थान का केस था जिस पर सुनवाई हो रही थी। लेकिन आज के रिजीम में ऐसा लगता है कि जेल इज रूल एंड बेल इज एक्सेप्शन। ये तमाम जो राजनीतिक बंदी हैं, राजनीतिक बंदी, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जिनको एक सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन इनको एक जानवर की तरह जेलों में ठूसा गया है। इनको कुछ नहीं वहां उपलब्ध कराया जाता है। बड़े पिटीशंस, कई बार पिटीशन दाखिल करने के बाद किसी तरह चिकित्सा की सुविधा हल्की फुल्की मिल जाती है। अगर ये बचे हुए हैं तो महज एक संयोग है या इनका इम्यून सिस्टम है, अगर आप मेडिकल भाषा में कहें तो। ये स्थिति है। तो क्या एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ब्रिटिश हुकूमत से भी ज्यादा आज की हमारी मौजूदा सरकार अपने ही देशवासियों से नफरत करती है, क्या उनके साथ ज्यादा क्रूरता के साथ पेश आती है? बड़ा यह सवाल है और यह सवाल उठना चाहिए। और दोस्तों, ये केवल स्टैंड स्वामी के साथ नहीं है, यह सिर्फ सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा जैसे, आनंद तेलतुंबड़े जैसे लोगों के साथ नहीं है या हैनी बाबू के साथ नहीं है, ये समूची जनता के प्रति अब रिफ्लेक्ट हो रहा है। CNRC के समय हमने देखा कि उसमें टारगेटेड एक कौम थी, एक समाज था, एक समुदाय था, कुछ लोग थे, लेकिन इस बार समूची आबादी भारत की, ऐसा लगता है कि वो निशाने पर है। हमारा ये कहना है कि किसी भी समाज में, किसी भी देश में अगर सत्ता में बैठे लोग अनुदार हो जाएंगे, अगर करुणा विहीन हो जाएंगे, अगर क्रूरता से भरे हो जाएंगे, अगर वो इंटॉलरेंट हो जाएंगे, क्रोधी हो जाएंगे, उनकी मानवीयता उनके अंदर की बिल्कुल सूख जाएगी, तो वो सिर्फ एक समूह के खिलाफ नहीं होगी,
वो सिर्फ कुछ समुदायों के खिलाफ नहीं होगी, कुछ क्षेत्रों के खिलाफ नहीं होगी, उसका विस्तार समूची आबादी पर होगा। और आज यही हो रहा है। कोविड-19 के दरमियान आप देख लीजिए पिछले एक वर्षों का इतिहास, एक सालों में जो कुछ दिखाई पड़ा है एक साल में, वो ये यकीनन इस बात को पुख्ता करता है, तथ्य, सारे तथ्य, कि ये जो करुणा विहीनता है, ये जो एक मानवीयता की कमी है सत्ताधारी लोगों में, वो पहले जो कुछ लोगों के प्रति अभिव्यक्त होती थी तो दूसरे लोग समझते थे कि नहीं नहीं ये सब तो केवल कश्मीर के लिए है, नहीं नहीं ये सब तो अमुक कौम के लिए है, इस समाज के लिए है, इस तरह के लोगों के लिए है, इस इलाके के लोगों के लिए है, इसलिए ये ना हमारी सरकार उनको दबा रही है। लेकिन दोस्तों अब तो पूरे देश के लिए है। अगर नदियों में पार्थिव शरीर चले दिखाई दे रहे हैं तो सरकार कहती है नहीं झूठ है, ये गलत कहानी है, इस पर हम FIR करा देंगे, जो ऐसा कहेगा वो उसको हम जेल भेज देंगे। और जब साबित हो जाता है, जब पूरी दुनिया दिखाने लगती है, तो कहते हैं कि इसकी हम जांच करा रहे हैं। पहले जब टीचर्स यूनियन का पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश टीचर्स यूनियन का पदाधिकारी कहता है कि हमारे यहां 1621 टीचर पंचायती राज चुनावों के दरमियान कोविड-19 से संक्रमित होकर उनकी डेथ हो गई, तो कहा जाता है कि बिल्कुल झूठ है। और जो पत्रकार छापते हैं उनको धमकी दी जाती है कि FIR करा देंगे, जेल भेज देंगे। और जाहिर है जेल भेजेंगे तो क्या करेंगे, आप देख ही रहे हैं कोर्ट कचहरी, जमानत एक्सेप्शन हो गई है। तो ऐसी स्थिति में अब सरकार कहती है कि नहीं 1621 नहीं, सिर्फ 3 लोग मरे। जब इस पर बवाल मचता है, सारे फैक्ट्स के साथ टीचर्स इस पर कन्फ्रंट करने को तैयार हो जाते हैं सरकार को, तब सरकार कहती है कि ठीक है इसकी हम पड़ताल करा रहे हैं, हम नियमों में बदलाव करा रहे हैं जिससे कि उनको भी मुआवजा दिया जा सके, यानी कुछ और को, वरना तो हम 3 ही को देते। कमाल की बात है। तो हमारा यह कहना है कि यह उत्तर प्रदेश की केवल कहानी नहीं है, पूरे देश में केंद्रीय स्तर पर यही दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए सिर्फ वैक्सीन के लिए, वैक्सीनेशन पर, यानी टीकाकरण पर एक बजट एलोकेट किया। आपको याद होगा 35,000 करोड़। जो एक्सपर्ट हैं टीकाकरण के भारत में, उनका मानना है कि 35,000 करोड़ से थोड़ा ही ज्यादा रकम अगर लगा दी जाए तो पूरे देश की जो आबादी है उसके टीकाकरण का पैसा मुफ्त हो जाएगा, यानी किसी को पैसा नहीं देना पड़ेगा इस महामारी में, गांव के लोगों को, कस्बे के लोगों को, शहर के लोगों को, आम लोगों को, और सारी की सारी जो आबादी है वो टीकाकृत हो जाएगी, बशर्ते कि सरकार जो एलोकेट की है बजट उसमें कुछ और पैसा जोड़ दिया जाए। लेकिन हमारी सरकार 35,000 करोड़ क्या कर रही है किसी को नहीं मालूम। पीएम केयर में जो आया उसका क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। जो वेंटिलेटर आए उनका हाल, उसको लेकर भी कहानियां छप रही हैं। हमारा बस ये कहना है कि इस देश में टीका, किसी भी चीज का टीका आजादी के बाद से जो आया है आज तक कभी पैसे पर नहीं लगा, इतिहास गवाह है। और कोई बता दे मौजूदा सरकार का कि उसके हाथ में जो टीका लगा हुआ है आज से 25 साल या 40 साल या 60 साल पहले, क्या उसका उनके माता पिता ने या उन्होंने कभी पैसा दिया था। टीका फ्री रहा है भारत में, यह पहली दफा है कि टीके का पैसा 250, 300, 400, 600, अब 1,500, 2,000 तक लगेगा, क्योंकि विदेश के टीके आ रहे हैं, हमने अपने यहां टीका बनने नहीं दिया और प्राइवेट सेक्टर को दे दिया सब कुछ। हमारे वैज्ञानिक, हमारी प्रयोगशालाएं, हमारे लोग बना सकते थे, लेकिन हमने सरकार को बनाने नहीं दिया, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जब चला गया तो उसकी आप देख रहे हैं क्या हालत है, कि टीका एक डोज जिसको लगा है उसको दूसरा डोज नहीं मिल रहा है। अब रूस का सहारा, अमेरिका का सहारा, और दूसरे दुनिया के देश जो हैं हमारी तरह ही के देश, और दुनिया में अमेरिका की बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो एशिया के देश, बहुत सारे एशियाटिक देश, उन्होंने वैक्सीन का न केवल इजाद किया बल्कि सरकारी स्तर पर प्रोड्यूस किया, न केवल अपनी जनता को बल्कि दूसरे देशों की जनता को आज वो टीका लगवा रहे हैं। तो ये हाल है। अरे और तो और छोड़िए, छोटा सा मुल्क है वह क्यूबा, 5-5 वैक्सीन उनके वैज्ञानिकों ने सिर्फ अपने देश में निकाली है, और हम प्राइवेट सेक्टर के हाथों में हैं।
हम विदेशियों के हाथों में हैं। तो ये जो करुणा की कमी है, ये इंसानियत की जो कमी दिखाई देती है, मानवीयता की जो कमी दिखाई देती है, आप आंसू बहाने से क्या होगा? हम नहीं कह रहे कि आपके आंसू नकली हैं या क्या है, उसमें हमें हम टिप्पणी इस तरह की नहीं करते, लेकिन हमारा यह कहना है कि जो सच्चाई है वो सामने है कि लोग अस्पताल में बेड के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में मरे थे और अभी भी मर रहे हैं गांव कस्बों में। गांव कस्बों की कहानी किसी के पास नहीं है। गांव कस्बों में कौन कितना मर रहा है, कितनी संख्या है, कोई रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा है, क्योंकि आपने उनको उनको टेस्ट ही नहीं किया कि उनको कौन सी बीमारी है। तो आप खांसी कह दीजिए, जुकाम कह दीजिए, बुखार कह दीजिए, आप WHO को बता दीजिए, चाहे अमेरिका को बता दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? ये एक ऐसा मुल्क है जिसके पास कोई आंकड़ा नहीं है। अनेक प्रदेशों में, खासकर हिंदी हार्टलैंड जिसको कहा जाता है, उसमें भी जो उसके बड़े प्रदेश हैं, कोरोना से होने वाली मौतों का कोई आंकड़ा प्रामाणिक है ही नहीं, और ये दुनिया भर के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ आज ये कह रहे हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि जो आप अपने कथित विरोधियों के साथ जो अप्रोच रखते हैं, उनके खिलाफ नफरत, क्रूरता, क्रुएलिटी, वो आप सडन नहीं है, वो आपके अंदर है और वो समूची जनता के प्रति आज रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है, व्यक्त हो रहा है। इसलिए हमें अगर लोकतंत्र के रूप में जिंदा रहना है तो हमें सहृदय होना पड़ेगा, हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए, हमारे अंदर मानवीयता होनी चाहिए, हमारे अंदर संतुलित सोच होनी चाहिए, जिसकी कमी चारों तरफ आज है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।